टाटा मोटर्स के शेयर्स पिछले तीन महीनों में 25 परसेंट से ज्यादा गिरे एंड आई चेक ऑनलाइन टर्न्स आउट ये स्टॉक का बिगेस्ट ड्रॉप है सिंस कोविड 2024 के जो भी गेन्स बनाए थे ना सब गए लेकिन इस फॉल के पीछे रीजंस क्या है आज का वीडियो इसी पर है पहले कुछ ब्रॉडर कॉन्टेक्ट समझेंगे और फिर एग्जैक्ट रीजंस क्या है वो डीप डाइव करेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एज ऑलवेज हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डाली है सो चेक दम आउट नाउ लेट्स बिगिन टाटा मोटर्स नाम तो सुना होगा एंड अगर नहीं सुना तो अब सुन लिया है ये वही कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स है एंड दैट अराउंड थर्टी एट परसेंट मार्केट शेयर इन इंडिया अब स्टॉक में क्या हो रहा है ना पिछले तीन से चार महीनों में एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है बट सेम पीरियड में इट्स टू बी नोटेड कि ब्रॉडर मार्केट्स भी वीक थे निफ्टी ऑटो जो एक सेक्टोरियल इंडेक्स है वो लगभग दस परसेंट से गिरा है अब स्टॉक का वैल्यू लूज करने का रीजन क्या था हाल ही में अराउंड नवंबर एथ को टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे जो कि बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे फाइनेंशियल की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 3.5 परसेंट से गिरा और नेट प्रॉफिट लगभग दस से गिरा यही नहीं कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई ऑन ऑन ईयर बेसिस विद एन इम्पैक्ट ऑफ वन I know. Revenue में गिरावट को अच्छे से समझे तो इसके कई है। जैसे कि पहला JLR की रिटेल हो गए हैं। और होलसेल वॉल्यूम्स की बात करें तो वो लगभग दस परसेंट से गिरे पहले क्या तो था 96800 यूनिट्स अब एटी यूनिट्स इसके पीछे का कारण क्या है एक हाई ग्रेड एलुमिनियम सप्लायर को heavy से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ये नहीं क्वालिटी कंट्रोल चेक के चलते अराउंड सिक्स थाउजेंड व्हीकल्स पर टेम्परिरीली होल्ड भी लगा लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी नोट करनी चाहिए टाटा मोटर्स का एक टेक इनोवेशन प्रोडक्ट है फ्लीट एज के नाम से ये ट्रक की लोकेशन और हेल्थ ट्रैक करने में हेल्प करता है उसके रेवेन्यूज एच वन एफ में नाइन टाइम्स ग्रो हुए टाटा मोटर्स की वॉल्यूम्स की बात करते हैं सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स देखते हैं 10,485 यूनिट्स ही 19% परसेंट डिक्लाइन होकर 84,281 यूनिट्स रहे पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग ईवी वॉल्यूम्स भी 6% परसेंट से गिरे मार्जिन की बात करें तो ये टेबल देखिए। में देखिये यही नहीं एबिडा मार्जिन भी 232 बेसिस पॉइंट से भी गिरे इसके पीछे क्या रीजन थे सबसे पहले तो प्रोडक्ट फॉर सेल कॉस्ट अराउंड 4000 थाउजेंड करोर से 118 परसेंट इंक्रीज होकर लगभग 8500 फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज हो गई सेकंडली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस भी 16 परसेंट से बढ़े ऊपर से पाउंड डेप्रिसिएशन होने की वजह से टाटा मोटर्स का फॉरिन एक्सचेंज लॉस भी बढ़ा पहले क्या था नाइन्टी थ्री करोड़ रुपीज अब क्या हो गए फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री करोड़ रुपीज सब की वजह से नेट प्रॉफिट हुआ जर व्हीकल टू परसेंट का मार्केट शेयर था पर इस पर मैनेजमेंट क्या बोल रही है कंपनी नियर टर्म डिमांड को लेकर थोड़ा वरीड है बट यह मानती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और फेस्टिवल डिमांड से इसको टैकल करने में हेल्प मिलेगा। सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस अगर कम होती है तो इससे जैगवार लैंड रोवर या जेएल के होल सेल्स इंप्रूव होंगे आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट का कहना है कि नेट डेट फ्री हो जाएगी इससे कैश लोस जनरेट हो सकती है एंड एफिशंसी भी बढ़ सकती है अब की रिस्क की बात करते हैं पहला नेचर ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल डिमांड क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स एंड हैवी गुड्स व्हीकल्स यूज होती है इन ऑर्डर टू हेल्प एंड यूजर सेक्टर्स जैसे कि स्टील सीमेंट कंस्ट्रक्शन ये सेक्टर्स खुद सिक्लिकल होते हैं और वहाँ जो टेलविंस होते हैं उनका डायरेक्ट असर कंपनी के नंबर्स पे भी पड़ता है दूसरा हैवी कंपटीशन एंड कैपिटल इंटेंसिवनेस फेस बाय जैगवार लैंड रोवर जैगवार लैंड रोवर जो कंपनी का लग्जरी ब्रांड है वहाँ दूसरे ग्लोबल पेयर से उसको काफी कॉम्पिटिशन मिलता है और यही नहीं ये सेगमेंट काफी कैपिटल इंटेंसिव भी है नंबर थ्री शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक थ्री से कम किया है इसके चलते दोनों डी और एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है तो ये थे कुछ रीजन जो हमने जाने रिलेटेड टू द करेक्शन इन टाटा मोटर्स क्या ये फॉल एक अपॉर्चुनिटी है या स्टॉक का डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा आल्सो कि आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स है कमेंट्स में जरूर शेयर करें आल्सो जाने से पहले ये याद रखें कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मेंशन है ये बाय सेल रेकमेंडेशंस नहीं है ये सिंपली एडुकेशनल पर्पसेस के लिए वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं अगली बार Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.